अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू द चैनल। तो स्पून लेक से हम वापस आ गए थे केल, और वापस हमें आना पड़ा अपनी पर्सनल जीप करवा के, जो कि हमें 4500 रुपये कॉस्ट की है। और अभी टाइम हो चुका है 3:45, और हम निकल रहे हैं ताऊबट के लिए। और इस जीप पे हम जा रहे हैं ताऊबट, 4:45 हो चुके हैं। ये मुबारक भाई सामान वगैरह रख रहे हैं ऊपर। 5 बजे गाड़ी जो है ना इधर निकल पड़ी है केल से, और अभी बैठ के हम जा रहे हैं ताऊबट। लो जी दोस्तों, फाइनली वी हैव रीच ताऊबट, और तकरीबन जो है ना 5 बजे हम उधर से निकले थे, और नीचे आके ड्राइवर ने जो है ना एक जगह पे लोडिंग के लिए गाड़ी रोक ली थी, और वहाँ से हम निकले 5:30 बजे, और हम पहुँचे हैं तकरीबन 9:15। आई नो यार, कोई भी इस टाइम पे ताऊबट नहीं आता, लेकिन अब क्या करें, मजबूरी थी और हमें मिस नहीं करना था ताऊबट को, तो इसलिए हम भी आ गए हैं। और अभी जो है ना रास्ते में बाइक की बहुत याद आई है क्या, क्योंकि ये जो ट्रैक है ना, जितना भी ये जो रास्ता है केएल से ताऊबट का, अगर बाइक पे किया जाए ना तो यार क्या ही ज़बरदस्त मज़ा आएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब भी आएंगे तो बाइक पे आएंगे इंशाल्लाह। तो अभी ये कैंप शॉप इधर लगाए हैं एक जगह पर, मिले बंदे हमें बहुत अच्छे यहाँ पर भी, और उन्होंने हमें अलाउ किया है कि कैंप इधर लगाने का, और अभी कैंप लगाया है इधर, और खाने का ऑर्डर दिया हुआ है, और खाना शाना खा के सोते हैं। सुबह इंशाल्लाह आपको ताऊबट जो है ना दिखाएंगे नज़ारे ताऊबट के, क्योंकि अभी तो रात है, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है इधर पर, तो सुबह इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं नज़ारे। लो जी दोस्तों, ताऊबट में रात के टाइम पे सुबह का जो है ना डिश, और इसको हमने चने भी थे इनके पास और चिकन था सेपरेट, तो हमने थोड़ा सा ना जो है ना इनको मिक्स करवा के थोड़ा सा चस्का करने की कोशिश की है। लो जी दोस्तों, अभी कैंप के अंदर घुस गए हम, 12 बज चुके हैं रात के, खाना शाना खा के थोड़ा सा बाहर चले गए थे, और अभी जहाँ पे हमने कैंप लगाए हैं बिल्कुल साथ में जो है ना दरिया है, और इन व्यूज़ इतने ख़ास रात को नहीं आ सकते, तो सुबह इंशाल्लाह आपको सारे व्यूज़ दिखाऊंगा, और सुबह अर्ली मॉर्निंग जो है ना हम ताऊबट को एक्सप्लोर भी करेंगे इंशाल्लाह। तो अभी सोने लगाऊँ मैं, सुबह इंशाल्लाह आपको ताऊबट के नज़ारे दिखाता हूँ।
लो जी दोस्तों, चेक करो क्या खूबसूरत मंजर है यार ताओबट का। ये पीछे हमारे कैंप्स लगे हैं और सामने ताओबट के नज़ारे माशाल्लाह से। दरिया के बिल्कुल साथ जो है ना, ये होटल की टेरेस है जहाँ पे हमने अपने कैंप्स लगाए हुए हैं। ये देखें ये कैंप्स और एक ये कैंप, और यहाँ पे हमने रात गुजारी है और सारी रात जो है ना ये पानी के आवाज़ के साथ क्या खूबसूरत मंजर है माशाल्लाह सुबह सुबह का। लो जी दोस्तों, निकल पड़े हम उधर से और सीन ये है कि हमारे पास टाइम जो है ना काफ़ी शॉर्ट है। रात को हम इधर आए थे, रात को आपको कुछ दिखा भी नहीं सके ताओबट का, और अभी भी हमारे पास टाइम शॉर्ट रहा है क्योंकि आज हमने दोबारा वापस निकलना है रति के लिए बेस कैंप। और अभी यहाँ पे जो दो पॉइंट हैं वो हम कवर करेंगे उसको। एक ये पीछे मेरे रास्ता जा रहा है ब्रिज के पास, ब्रिज के पार वो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर की तरफ रास्ता जाता है जहाँ पे फिश पॉइंट है, और एक सामने इस तरफ रास्ता जाता है जहाँ पे जो गिलगित जाता है कमरी पास मिनी मर्ग वगैरह। तो फर्स्ट जो है ना ये फिश पॉइंट जाएंगे और उसके बाद जो है ना इस तरफ आगे जाएंगे। दोस्तों फिश पॉइंट की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे ये मछली वगैरह पकड़ते हैं, और हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है। और बारिश आपको पता है कि बरसात का मौसम है, एक तरफ धूप निकली हुई है, ये देखें हम बारिश हो रही है और पीछे देखें धूप निकली हुई है। लो जी दोस्तों, ये है आई थिंक वो फिश पॉइंट जिसकी वो बात कर रहे थे लोग। दोस्तों ये है फिश पॉइंट, ये इन्होंने हमें बताया था लोकल्स ने, तो माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा पॉइंट है। ये मेरे पीछे सामने जो पहाड़ देख रहे हैं इस साइड पे जो है ना इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है, और ये पॉइंट जो है ना एक तरह का रिजॉर्ट टाइप बना हुआ है ना, और माशाल्लाह बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का नज़ारा है यार इधर तो। और सुबह सुबह का टाइम है, क्लाउड्स बने हुए हैं और बड़ा ही ज़बरदस्त जो है ना वो एक व्यू आ रहा है। अच्छा दोस्तों, ऊपर से जो है ना मैं नीचे आ गया हूँ और यहाँ के नज़ारे जो है ना वो तो यार माशाल्लाह अमेजिंग। अच्छा दोस्तों, नीचे तो हम आ गए हैं और बारिश जो है ना काफ़ी तेज़ होती जा रही है, और लेकिन जो है ना इसके साथ नज़ारा भी कमाल का है। उम्मीद है जैसे बादल है ना, मतलब इतने ज़्यादा डेंस नहीं है, तो उम्मीद है बारिश रुक जाएगी और हम जो है ना वापसी का भी सफ़र इख्तियार कर सकेंगे इंशाल्लाह। और यहाँ पे आप नज़ारे देख सकते हैं माशाल्लाह से क्या खूबसूरत नज़ारे हैं। ये जी आलूचा है ताओबट का, चेरी की तरह का जो है ना लग रहा है कलर इसका जो है, ये येलो है जैसा नहीं है। और इसको खा के ट्राई करते हैं कैसा है। मजा भी। और ये आप देखें आलूचे के बाद सेब ताओबट का, बहुत ही खूबसूरत, लेकिन अभी कच्चा है, ये खा नहीं सकते हम अभी। लो जी दोस्तों, वो पॉइंट जो है ना हम देख के आ गए थे
अभी हम जा रहे हैं सीधा इस तरफ, जिस तरफ जो है ना मिनीमर्ग कमरी पास वगैरह वाला जो है ना रोड है, तो इधर से देखते हैं इधर क्या सीन है। दोस्तों एक जो है ये पॉइंट हमने विज़िट किया है, चमन हट लिखा हुआ है शायद यहाँ पे, और साथ में कि आर्मी वालों की चेक पोस्ट है, और व्यूज़ मैं बता नहीं सकता आपको कि कितने खूबसूरत नज़ारे हैं यहाँ पे माशाल्लाह से। और ये आपको दिखाता हूँ मैं, ये देखें जी, दोस्तों क्या ही खूबसूरत मंजर है माशाल्लाह से। अब आप भी कह रहे होंगे यार कि मैं बार बार तरीफें किए जा रहा हूँ, तरीफें किए जा रहे हैं, ये वाकई तरीफ के जो है ना लाइक है, ये जगह माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत है और ज़रूर आना चाहिए। टूरिस्ट जो है ना अभी तो इस वक्त तो जो है ना होने के बराबर है, वैसे फिलहाल अभी हम ही चार लोग जो है ना इधर घूम रहे हैं, और अभी वैसे भी छुट्टियाँ आ रही, लेकिन कल काउंटर जाते हुए हमने बड़ी आवाम देखी है, इस जगह पर जो है ना कोई भी नहीं है, और जगह देखने वाली वही होती है जो मैंने आपको पहले भी बताया था, जो जहाँ पर टूरिस्ट कम होते हैं। तो नज़ारे आपके सामने माशाल्लाह से। लो जी दोस्तों फाइनली ताबड़ को बाय बाय कहने का जो है ना वो टाइम आ चुका है, और आई नो यार काफ़ी कम टाइम हमने लगाया इसको एक्सप्लोर करने में, मैं अभी काफ़ी धूप निकल आई है, सुबह सुबह जब हम गए थे तो क्या ही नज़ारे थे ज़बरदस्त। अभी ये पीछे जो जीप है इस पर ही हम जा रहे हैं वापस केल, तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपको रतिगली बेस कैंप और रतिगली के नज़ारे दिखाऊंगा इंशाल्लाह। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।